नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज फॉर भारत और मैं आपके साथ प्रेम राज। जी हाँ, अभी हम खड़े हैं पटना यूनिवर्सिटी के ठीक सामने। आप जो ये भीड़ देख रहे हैं ना, ये किसी दंगे फजाद का भीड़ नहीं है, ये युवाओं का भीड़ है। युवाओं जो देश का भविष्य है, आज उन्हीं युवाओं ने पटना विश्वविद्यालय पटना यूनिवर्सिटी का नॉमिनेशन है और उसी नॉमिनेशन में ये सारे युवा सामने है। आप देख सकते हैं सबके हाथ में बैनर झंडा, वो तमाम चीज है जो नॉमिनेशन के समय होता है। एमपी विधायक एमएलए का नॉमिनेशन देखा, पर ये युवाओं का नॉमिनेशन है, छात्र संघ का चुनाव है, वो भी पटना यूनिवर्सिटी छात्र संघ 2019। आइए लोगों से जुड़ते हैं और उनसे जानते हैं कि वो किस पार्टी से आया, उनका क्या मकसद है, किस पार्टी से आए भैया। देखिए सर, पटना विश्वविद्यालय का गौरवान्वित इतिहास रहा है कि यहाँ प्रत्येक साल चुनाव संपन्न, लेकिन यहाँ जो हम लोग जो खड़े हैं, हम लोग इंडिपेंडेंट के तो ना किसी पार्टी से जुड़े हुए हैं। हम लोग चाहते हैं कि पटना विश्वविद्यालय में एक शैक्षणिक माहौल मिले, क्योंकि क्योंकि जिस प्रकार से सभी दलों यहाँ इतर हट करके एक बेहतर राजनीति का सामंजस्य स्थापित करना चाहते हैं, जिससे पटना विश्वविद्यालय एक अच्छा स्थिति में पहुंच पाए। क्या लगता है आपकी जो प्रतिनिधि है कितने वोट से जीतेंगे? हम लोगों का पटना कॉलेज का जहाँ तक प्रतिनिधि का सवाल है, अमरदेव कुमार बहुत अच्छी स्थिति में है, मैदान में है। मुझे उम्मीद ही नहीं पूरी, पटना कॉलेज के छात्रों पर विश्वास है, वो एक अच्छे प्रतिनिधि को चुनने का काम करेगा और पटना विश्वविद्यालय का जो कुर्बानी का इतिहास है उसे कहीं ना कहीं बचाने का काम करेगा। देखा, इनका कहना है कि जो इनका प्रतिनिधि है वो अच्छे से चुनाव लड़ रहे हैं और जीतेंगे। कुछ और लोगों से जुड़ते हैं और उनसे जानते हैं कि वो किस पार्टी से, किस पार्टी से आप? नहीं, हम लोगों ने पिछले दो चार चुनाव में देखा कि जो भी सत्ता के या किसी पार्टी से जो भी काउंसलर या प्रेसिडेंट है वो जीते, उन्होंने कुछ छात्रों के लिए कुछ काम नहीं किया। इसीलिए हम लोगों ने पटना कॉलेज के स्टूडेंटों ने ये निर्णय लिए हैं, ये फैसला लिया है कि निर्दलीय जो भी प्रत्याशी है उनको हम लोग सपोर्ट करेंगे और उन्हीं के लिए हम क्या मुद्दा रखे स्टूडेंटों के लिए तो सबसे जो मुख्य मुद्दा है उसके लिए तो सबसे शिक्षा है। शिक्षकों की जो कमी है हमारे विश्वविद्यालय में, हमारे कॉलेजों में, और जो डिपार्टमेंट्स हमारा स्कॉलर्स के भरोसे चलता है उसकी समस्याओं को हम लोग दूर कराएंगे। इसी उम्मीद से हम लोग अपने प्रत्याशी को लेकर के सामने आएंगे कि ये प्रत्याशी इस चुनाव में जीत कर आएंगे और हम लोगों की समस्याओं को जो है उसको समस्याओं को पूरा करेंगे। ये तो देखा यार, काफी लोग है जिनका कहना है, दावा कर रहे हैं कि जो प्रतिनिधि चुन कर आएंगे और उनका जो काम होगा वो कार्य होगा। देख सकते हैं आप यहाँ पे, ये किसी खुशी उत्साहित कर रहे हैं, खुशियाँ दिखा रहे हैं, और ये तभी होता है जब बिहार में चुनाव होता है और देश में चुनाव होता है। इसी तरह के चुनाव के साथ क्या इनके नेता दावे कर रहे हैं वो भी सुनाएंगे। पहले इनसे जानते हैं कि वो किस पार्टी से और इनके क्या मांग है, किस तरफ से आप लोग? हम लोग दिशा छात्र संगठन के तरफ से अभी आए हैं। जिस तरीके से आज कैंपस के अंदर हम लोग देख सकते हैं कि गुंडागर्दी, धनबल बाहुबल का खेल और भाड़े की भीड़ लगा करके चुनावी नौटंकी करने की कोशिश चारों तरफ चल रही है, ऐसे में आप देख सकते हैं कि दिशा छात्र संगठन एकमात्र ऐसा संगठन है जो लगातार कल्चरल रूप से लोगों के बीच एक्टिव रही है और धनबल बाहुबल के खिलाफ लोगों को एकजुट करते हुए एक विकल्प खड़ा करने की बात करती है। आज जिस रूप में तमाम चुनावबाज पार्टियां अपने अपने लघु भगु छात्र संगठनों को, छात्र नेताओं को, गुंडों को कैंपस के अंदर कैंपस का माहौल खराब करने के लिए आज जिस तरह से प्रेरित कर रही है, उसके खिलाफत करते हुए भगत सिंह, सुखदेव, राजगुरु और तमाम ऐसे क्रांतिकारियों का जो सपना था उसके लिए हम लोग लोगों के बीच लगातार आ रहे हैं। नहीं, हम लोग किसी भी चुनावबाज पार्टी से नहीं जुड़े हुए। दिशा छात्र संगठन एक इंडिपेंडेंट स्टूडेंट ऑर्गेनाइजेशन है जो कि आम छात्रों की पहल। अच्छा, आप पार्टियों वाला पे बोला, जो निर्दलीय चुनाव लड़ रहे हैं जी, उसमें क्या कहना है आपको? जो भी निर्दलीय लड़ रहे हैं, देखिए दो साल पहले भी निर्दलीय कैंडिडेट जीत करके गए थे। दो साल पहले जो निर्दलीय थे वो असल में निर्दलीय नहीं थे, एक पपेट कैंडिडेट थे। जैसे ये होता है कि जो छात्र संगठन अपने नाम पर, क्योंकि उनका इतिहास ये होता है कैंपसों के अंदर वो डर का माहौल, गुंडागर्दी का माहौल बना करके रखते हैं, या फिर अपना नाम चमकाने की जो राजनीति है, जब उस नाम पर वोट नहीं मान सकते हैं तो पपेट कैंडिडेट को निर्दलीय दिखाने की कोशिश करते हैं। और ऐसे में हम लोग ये कहते हैं कि देखिए, कोई भी निर्दलीय है उसके हिस्ट्री ट्रेस कीजिए। निर्दलीय जीत करके वो किसी पार्टी में चले जाते हैं या फिर उनका अपना कुछ मानना नहीं होता, वो कहीं भी मतलब किधर भी जा सकते हैं। तो हम लोग ये कहते हैं कि जब तक आप एक विचारधारा को लेकर के छात्र राजनीति के पास नहीं आए, एक ऐसी विचार जो भगत सिंह ने, जिसका सपना भगत सिंह ने देखा था, हमारे शहीदों ने देखा था।
तो देखा इनका साफ तौर पे कहना है कि जो पॉलिटिकल पार्टी है वो कहीं ना कहीं गुंडाई रूप दिखाता है, इलेक्शन जीत जाता है, पर एक समय इसी दौरान आप दिखा सकते हैं यहाँ पे जाप जो पप्पू यादव का पार्टी का लोग है, आप देख सकते हैं किस तरह से आए हैं और यहाँ पे काफी खुशी मना रहे हैं लोग। झंडा देखिए हाथ में, वो बैनर देखिए, और वही पप्पू यादव का टीम है जो कि बाढ़ में काफी लोगों का मदद किया था। पटना जब डूबा हुआ था तब इन लोगों ने बांटा था और आज इन लोग का नॉमिनेशन है। इनसे जुड़ते हैं और जानते हैं कि इनके क्या मुद्दा है और इनके क्या मांगे हैं। कहाँ से है, किस पार्टी से आप? हम लोग निर्दलीय हैं, सारे पार्टी वाले चोर हैं, दलाल हैं, छात्रों का शोषण करते हैं, महिलाओं का शोषण करते हैं, रंगदारी में। आइए जानते हैं छात्र परिषद क्या मुद्दा है इस बार का चुनाव में? हम लोगों का एक ही मुद्दा है, हम लोग चुनाव से पहले कभी भी एक छात्र का सर्वे करते हैं जिसमें कि हम लोग जानना चाहते हैं कि चुनाव का मुद्दा क्या है। मेरा एक ही मानना है कि व्हाट विल बी योर एजेंडा, दैट इज माय एजेंडा एंड वी विल वर्क ऑन दैट। हम लोग हवा में बातें नहीं करते हैं, टीम को शिव बना देंगे। जिसके आका नीतीश कुमार जब शताब्दी समारोह होता है प्रधानमंत्री के सामने गिड़गिड़ाते रह जाते हैं, शिव नहीं बना पाते हैं, फिर उसी का अध्यक्ष जीतता है और शिव को दर्जा नहीं मिलता है और फिर उनका वही मुद्दा। तो हमारी जो भी मांगे है प्रैक्टिकल है, जिसपे हम काम करेंगे और अमल करेंगे। क्या लग रहा है पार्टी का सपोर्ट मिल रहा है आपको भरपूर? पार्टी का हम लोग वैसे संगठन से ताल्लुकात नहीं रखते हैं, हमारा हम जन अधिकार छात्र परिषद से एक ऐसा छात्र का संगठन है जिसका तैयारी बरसों चलता है। ये नहीं कि एग्जाम आया हम पन्ने पलटना चालू कर दिए, हमारी हम छात्र पटना यूनिवर्सिटी को सी ग्रेड दिया गया है, मालूम है ना? बिल्कुल मालूम है। क्यों? कहीं ना कहीं इसमें जो विश्वविद्यालय प्रशासन है उसकी नाकामी को दर्शाता है। और मनीष कुमार के टक्कर में कोई जो यूनिवर्सिटी का जो वीसी है उनका जो बयान आता है वो शर्मनाक बयान है कि छात्र यहाँ के अच्छे नहीं है। छात्र पटना विश्वविद्यालय देश को नेतृत्व करता दिया। तो देखिए यहाँ पे कुछ और लोग उनसे जुड़ते हैं, जाता क्या क्या कहिएगा सर? देखिए मनीष कुमार यादव जो प्रत्याशी है जेएसीपी का, उसने पूरे 4 साल अपने पूरे करियर का पटना विश्वविद्यालय के तमाम कमियों को गिनाने में और भीसी को घेरने में, प्रचार को अपने हक की लड़ाई लड़ने में, छात्रों की आवाज को मजबूत करने में मनीष यादव ने अपनी सहभागिता दिखाई है। और सर हमने एक बात कहना है आपको कि पटना विश्वविद्यालय के जितने भी छात्र हैं इस बार संकल्पित हैं कि मनीष कुमार को जिताना है, क्योंकि मनीष कुमार ऐसा व्यक्ति है। क्या लग रहा है आप लोग का टक्कर में कोई है? सर टक्कर की बात हटा दीजिए, टक्कर दूर दूर तक नहीं है और हम लोग जीत कर दिखावेंगे, क्योंकि विश्वविद्यालय के छात्रों का पावर मनीष कुमार यादव के साथ है और हमारे नेता पप्पू यादव जी हम लोगों के साथ कंधों से कंधे मिलाकर छात्र हित की बात करते हैं और मिशन बातों के साथ हम पटना विश्वविद्यालय। तो देखा इनका कहना दावा है कि ये जीत कर दिखाएगा, कुछ और युवाओं से जुड़ते हैं और जानते हैं क्या क्या। सर हम पटना विश्वविद्यालय को आपके चैनल के माध्यम से कहना चाहते हैं कि मनीष कुमार यादव एक ऐसा छात्र है जो आपके लिए 24 घंटा तत्पर रहता है, अगर कोई भी हक लड़ाई की बात हो मनीष कुमार यादव आपके साथ खड़ा रहेगा और कंधे से कंधे मिला खड़ा रहेगा। जेएसपी के जो पैनल है हम लोग उसी को जिता रहे हैं, क्योंकि जेएसपी के अलावा पटना यूनिवर्सिटी में कोई ऐसा संगठन नहीं है जो पटना यूनिवर्सिटी के लिए मांग किया हो। आप देखेंगे कि पिछला दो चुनाव हुआ 2012 में चुनाव हुआ, जेएसपी और सीजेयू आया और उनका नारा था कि हम पीयू को सीयू बनाएंगे, लेकिन नहीं बन सका। उनका जो मुद्दा उस वक्त था वही मुद्दा अभी भी है और हम लोग इस वक्त दावा तो नहीं करते हैं कि सीयू को पीयू को हम सीयू बनाएंगे, लेकिन हम उसके लिए आंदोलन जरूर करेंगे। लेकिन सीडीयू और एबीवीपी एक बार भी सड़क पर नहीं उतरा पीयू को सीयू बनाने के लिए, और जो भी मुद्दे थे उनके वुमेन सेफ्टी का मामला था वही हुआ। और दूसरी बात, पिछला छात्र संघ जो था उसमें से एबीवीपी का एक मेंबर उसने 7.5 लाख रुपया घोटाला किया, तो इन ऐसे घोटालेबाज और जाली छात्र संगठन हमें नहीं चाहिए। और हम सिर्फ और सिर्फ जेएसपी आमिर रजा और मनीष कुमार ये पटना यूनिवर्सिटी। तो देखा तमाम लोग जो अपने अपने दावे कर रहे हैं, आप देख सकते हैं जाप पप्पू यादव के जन अधिकार पार्टी के लोग है जो इनका अभी मनीष भैया के लोग नारे लगा रहे हैं। इनका साफ तौर पे कहना है अगर जिताना है तो मनीष भैया को जिताना है, कि जो पीयू को सीयू बनाने का दावा था वो दावा सामने नहीं आया। फिलहाल नेताओं जो बात कर रहे हैं, नेताओं का जो वादा वो भी सुनाएंगे। इस वीडियो में इतना ही रहता और अगला वीडियो में जरूर सुनाएंगे आपको। सहयोगी आनंद के साथ मैं प्रेम, न्यूज़ फॉर भारत, पटना।